रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक बॉरिंग्स, कोई कंफ्यूजन रहेगी वो कल की बात से। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कल से रिलेटेड क्वेश्चन। जी फैसल साहब, बॉरिंग साहब, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज मेरी ठीक आ रही? चले सर जी, पेज नंबर 86 के मिड में हमें बस कर दें सर, बस कर दें सर प्लीज। पेज नंबर 86 मिड ऑफ द पेज। देर आर टू टाइप्स ऑफ बोरिंग्स विद रिस्पेक्ट टू कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, स्पेसिफिक बोरिंग एंड जनरल बोरिंग। कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और कॉस्ट का इन क्वेश्चन में मतलब यह है कि एक तो क्वालिफाइंग एसेट पे जो खर्चा हुआ है उसको प्लस कर लें, और नंबर टू जो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की वर्किंग हुई है उसमें से बोरिंग कॉस्ट जितनी कैपिटलाइज होनी है एसेट की कॉस्ट में ऐड कर लें, और जब टोटल कॉस्ट आ जाएगी तो उसमें से जितना टाइम पीरियड गुजर गया है उसकी डेप्रिसिएशन अगर आप प्लस कर देंगे तो कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है फैसल। देन सर जी, हम स्पेसिफिक बोरिंग से आज जरा पहले जनरल बोरिंग्स की तरफ जा रहे हैं, और बाद में फिर क्वेश्चंस करेंगे जिनमें जनरल बोरिंग स्पेसिफिक बोरिंग्स मिक्स भी हो सकती हैं। तो फिलहाल आज जो डिस्कशन होगी इसमें जरा हमारा फोकस शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम स्पेसिफिक बोरिंग टू जनरल बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग किसे कहते हैं जरा जहन में से ढूंढ के बता। एक या एक से ज्यादा ऐसे लोन्स जिनका पर्पस सिर्फ ये है कि उनके पैसे क्वालिफाइंग एसेट में इस्तेमाल करने, तो फिर स्पेसिफिक बोरिंग होगी। लेकिन अगर कोई लोन आपने लिया है और उसका पर्पस डिफाइंड नहीं है, एक से ज्यादा मकासद के लिए लोन के पैसे इस्तेमाल हो गए हैं और उसमें से कुछ पैसे क्वालिफाइंग एसेट पे भी लग गए हैं, तो ऐसा लोन जनरल लोन कहलाएगा। स्पेसिफिक लोन क्या है? जिसके पैसे सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा पर्पसेस में पैसे इस्तेमाल होने के साथ साथ कुछ पैसे क्वालिफाइंग एसेट पे भी लग गए तो हमारी इस बोरिंग कॉस्ट की डिस्कशन में वो लोन फिर जनरल लोन कहलाएगा। ठीक है, जो मैंने कहा है कर्णी एक पैराग्राफ पढ़े दो, मिड ऑफ द पेज पेन रखे आपने। इफ अ लोन is for more than one purpose including a qualifying asset then the loan is called as general purpose loan or general purpose borrowing. Loan hi borrowing hai, ye darwaza kindly band karte hain. Ye qualifying asset kya hota hai? Dekhiye agar first kare yahi sentence dobara padhe jo bhi padha humne, agar ek loan hai जो क्वालिफाइंग एसेट पे इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो फिर वो इस डिस्कशन से ही बाहर निकल जाएगा, फिर हमारा IAS 23 में उससे रिलेटेड कोई काम ही नहीं है। अगर कोई लोन के पैसे क्वालिफाइंग एसेट पे इस्तेमाल ही नहीं हुए तो फिर इसका मतलब कोई भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, डिस्कशन से बाहर चली हुआ। तो यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ, इफ अ लोन इज फॉर मोर देन वन पर्पस, लेकिन उन पर्पसेस में एक पर्पस फिर भी क्या हो तो फिर वो इस डिस्कशन में आके जनरल बोरिंग बन रहा है। अगर लोन सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट के लिए तो फिर वो स्पेसिफिक है, और अगर कुछ लोन का किसी कुछ लोन का हिस्सा क्वालिफाइंग एसेट पे लग गया और बाकी हिस्सा कुछ और मकासद पे लग गया तो फिर जनरल हो। बस आगे बढ़ते जाएगा। दीज फंड्स मे बी यूटिलाइज्ड फॉर बाइंग इन्वेंट्रीज, कुछ पैसे आपने स्टॉक खरीदने पर लगा दिए, पेइंग एक्सपेंसेस सैलरीज की पेमेंट बिलों की पेमेंट करते हुए लगा दिए, और मल्टीट्यूड ऑफ अदर पर्पसेस बहुत से और मकासद के साथ साथ इन एडिशन टू द एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, बहुत से मकासद के साथ साथ कहाँ पैसे भी लग गए हैं किसी क्वालिफाइंग एसेट को खरीदने में बनाने में या उसकी प्रोडक्शन अगर इन्वेंट्री से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अस्सुम आपने MCB बैंक से 20 मिलियन का लोन लिया हुआ था, 12% उसका रेट था, लोन अगर बैंक से लिया तो क्या एंट्री करेंगे?
कैश डेबिट करने का मतलब ये 20 मिलियन कैश अवेलेबल हो गया फॉर यूज, ठीक है। अब लोन पे आप इंटरेस्ट देंगे 12% के हिसाब से, लेकिन जो 20 मिलियन का कैश आया था उसका सपोज क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन पढ़े, 5 मिलियन यूज हो गया फैक्ट्री एक्सपेंसेस में, 2 मिलियन यूज हो गया व्हीकल्स में, क्या व्हीकल्स एसेट है? लेकिन अगर बनी बनाई खरीदी है तो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, बनी बनाई खरीदी है क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। अगर व्हीकल्स है बाय डिफॉल्ट भी अज्यूम के इस्तेमाल के लिए खरीदी है, अनलेस व्हीकल्स खरीद के बेचना हमारा बिजनेस होता है। लेकिन अगर व्हीकल एसेट है, बनी बनाई नहीं है, चाहे बेचने के लिए या इस्तेमाल के लिए, क्वालिफाइंग एसेट नहीं। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? जिसे सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लगना है उसकी कंप्लीशन। हमने व्हीकल्स वाला एसेट खरीदा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हुए, कितना कितना खर्चा हुआ यहाँ? 5 मिलियन, 2 मिलियन, टोटल पैसे थे 20 मिलियन, 20 में से 5 मिलियन और 2 मिलियन इस्तेमाल होने के बावजूद कितना बचा हुआ था? 13 मिलियन बचा होगा। तो लेट्स अज्यूम आपने हेड ऑफिस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, एचओ मींस हेड ऑफिस बिल्डिंग, और एक क्वालिफाइंग एसेट है जिससे सब्सटेंशियल टाइम पीरियड सपोज लगना है। पैसे क्योंकि आपके पास इसी लोन के पड़े हुए थे, कितने पड़े हुए थे? 13 मिलियन। तो आपने सोचा होगा, जरा खुद से सोचा, कोई नया लोन लेके पैसे लेने की क्या जरूरत है? ऑलरेडी पैसे अवेलेबल है, और देयरफॉर आपने इसी लोन में से 10 मिलियन, जो 13 मिलियन बचा हुआ था, 10 मिलियन इसमें इस्तेमाल कर लिया। क्या अभी भी 3 मिलियन पड़ा? लेकिन जो 10 मिलियन अब इस्तेमाल हो गए इस क्वालिफाइंग एसेट के लिए, तो क्या अब ये जनरल लोन, जनरल स्पेसिफिक है, जनरल स्पेसिफिक है, क्या अब ये जनरल लोन के अगर पैसे हमारे क्वालिफाइंग एसेट पे लग गए हैं, तो हमारे डिस्कशन में बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की तरफ इस डिस्कशन को ले आएगा? मसलन ये लोन का कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं हम, तो क्या 20 मिलियन का 12% सारा का सारा कैपिटलाइज होगा? अब सिर्फ क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक बोरिंग्स अगर हो ना, स्पेसिफिक बोरिंग्स अगर हो तो सारा इंटरेस्ट इंकर्ड कैपिटलाइज होता है, लेस अगर इन्वेस्टमेंट इनकम हो तो। लेकिन अगर जनरल बोरिंग्स होंगी तो फिर सारा इंटरेस्ट लॉजिकली कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए, फिर सिर्फ जो एक्सपेंडिचर हुआ है क्वालिफाइंग एसेट पे उसी से रिलेटेड अगर कोई बोरिंग कॉस्ट बनती है तो वो कैपिटलाइज होना चाहिए। मीन्स हमारी इस एग्जाम्पल में जो 10 मिलियन लग गया है, सिर्फ इस 10 मिलियन से रिलेटेड अगर कोई बोरिंग कॉस्ट बनेगी वो कैपिटलाइज होगी, और बाकी जो लोन पे अदरवाइज इंटरेस्ट बनेगा वो फिर प्रॉफिट और लॉस में जाना चाहिए। तो जनरल बोरिंग के केस में सारी लोन की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होती, वो सिर्फ उन एक्सपेंडिचर्स की बेस पे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है इन केस ऑफ जनरल बोरिंग्स, जो इंकर हुए होंगे क्वालिफाइंग एसेट पे, जो मैंने बात की है नेक्स्ट लाइन में जरा पढ़ा। इन सच अ केस ऑल इंटरेस्ट इंकर्ड ऑन द लोन इज नॉट रिलेटेड टू द क्वालिफाइंग एसेट। इन केस ऑफ जनरल बोरिंग अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट इज टू बी कैपिटलाइज, दैट इज टू बी कैपिटलाइज इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। जिस तरह जरा कैंडी पेज नंबर 84 पे जाए, पेज नंबर 84 के एंड पे बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था स्पेसिफिक बोरिंग के केस में। किन वर्ड्स के साथ था? शॉर्ट वर्ड्स बोले, इंटरेस्ट इनकम लेस इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम ट्रांसफर में लेस ऑफ लोन लेस इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टाइम पर इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड्स। ये हमारे पास बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज की अमाउंट आ जाती है इन केस ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग। बिल्कुल उसी तरह से अब जरा अगर हमें जनरल बोरिंग के केस में बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कैलकुलेट करनी है, तो एक फार्मूला जरा हाईलाइट करना है, मेरे ख्याल पेज की आखिरी लाइन में, आखिर में एंड में लाइन में लिखा हुआ। इस केस में अब हम क्या ढूंढेंगे? सबसे पहले एक्सपेंडिचर ढूंढेंगे, जरा ऊपर से साथ रिलेट करते रहे। 20 मिलियन की बात हो रही है, 10 मिलियन, और देन डरे बगैर अगला वर्ड पढ़ें क्या लिखा हुआ। फिर हम एक रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढेंगे, उसका नाम यहाँ लिखा है कैपिटलाइजेशन रेट, परेशान होगा मैं बताता हूँ क्या होता है, और देन मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड करेंगे। आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन नहीं, अब सारा लोन का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होना, एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट मल्टीप्लाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट और मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। व्हाट इज अ न्यू थिंग आई थिंक, कैपिटलाइजेशन रेट को समझने के लिए जरा काइंडली नेक्स्ट पेज का स्टार्ट करें। परेशान नहीं ना प्लीज, कैपिटलाइजेशन रेट की हेडिंग में जरा फर्स्ट पॉइंट पढ़ें। इफ देयर इज ओनली वन जनरल लोन, अगर एक ही जनरल लोन होगा हमारे सवाल में, तो फिर तो बेटा बिल्कुल इशू नहीं है, जो उस लोन का रेट होगा वही कैपिटलाइजेशन रेट कहलाएगा। मसलन अगर पिछले पेज वापस आए आप, एमसीबी बैंक का अगर एक ही जनरल लोन था
तो उसका रेट क्या था, तो 10 मिलियन का जो एक्सपेंडिचर हुआ वो उठाएंगे मल्टीप्लाई बाय यही 12% एज इट इज कैपिटलाइजेशन रेट कहलाएगा, और फिर जिस डेट पे एक्सपेंडिचर हुआ होगा वहां से ऑनवर्ड्स टाइम पीरियड भी गिना करेंगे, वो कैसे पर वो क्वेश्चन में करते हैं। लेकिन नेक्स्ट पेज पे वापस आ रहे हैं, कैपिटलाइजेशन रेट फिर समटाइम्स कैलकुलेट भी करना पड़ता है, क्यों कैसे वो जरा बात कर लो। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, अगर एक ही जनरल लोन है इसका क्या वैसे मतलब है, एक ही जनरल लोन है, एक ही लोन है जिसके पैसे और पर्पजेस के साथ साथ क्वालिफाइंग एसेट पे भी इस्तेमाल होंगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा लोन्स है जिनका पर्पस डिफाइंड नहीं है, अगर एक से ज्यादा लोन्स है और उनका पर्पस डिफाइंड नहीं है तो वो सारे लोन क्या कहलाएंगे, जनरल लोन। लेकिन अब डिफरेंट लोन्स के डिफरेंट इंटरेस्ट रेट हो सकते हैं, तो उस केस में एक एवरेज सॉर्ट ऑफ रेट कैलकुलेट होता है जिसे फिर कैपिटलाइजेशन रेट बोला जाता है। अगर एक ही जनरल लोन है तो किसी एक्स्ट्रा वर्किंग की जरूरत नहीं है, जो उस लोन का रेट होगा वही कैपिटलाइजेशन रेट होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा लोन है उनके रेट्स डिफरेंट है तो एक एवरेज सॉर्ट ऑफ रेट कैलकुलेट होगा, उस रेट को फिर बोला जाता है कैपिटलाइजेशन रेट। आइए जरा पॉइंट नंबर टू में कैसे कैलकुलेट होगा वो भी इंशाल्लाह आपको कुछ पता है। इफ देयर इज मोर देन वन जनरल लोन हैविंग डिफरेंट इंटरेस्ट वी कैलकुलेट एन एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन रेट एज फॉलोज में अब नीचे कैपिटलाइजेशन रेट का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन एज इट इज फॉर्मूला को देख के परेशान होने की बजाय बोर्ड पर देखो। अगर आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन पता हो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो और टाइम पीरियड पता चल जाए तो क्या आप इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेते हैं? वो सही कर लेते हैं सर। अब टाइम पीरियड मैंने इसलिए लिखा, हो सकता है एक साल हो, एक महीने हो, छह महीने हो, जितना अर्सा भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा। आउटस्टैंडिंग बैलेंस इनटू रेट एंड इनटू रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड से हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस। लेकिन अगर आपको रेट ना पता हो तो क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर पता चल जाए और आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन पता चल जाए तो रेट कैलकुलेट हो सकता है? कैसे कैसे भाजा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग बैलेंस। कुछ बात मेरी समझ आई? तो रेट इज इक्वल टू का फॉर्मूला रीअरेंज करके बन जाएगा। अब इन वर्ड्स को जरा ज़हन में रख के अपना फॉर्मूला देखेंगे। कैपिटलाइजेशन रेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड, मींस बोरिंग कॉस्ट कैसे कहते हैं, इंटरेस्ट इंकर्ड, इंटरेस्ट इंकर्ड डिटेल में जाएंगे तो वो भी होता है, इंटरेस्ट इंकर्ड सिंपली स्पीकिंग, डिवाइडेड बाय एक वेटेड वर्ड को अगर एक सेकंड के लिए छोड़ दिया जाए, मैं एक्सप्लेन करता हूं अगर कैलकुलेशंस में। अगला लिखा हुआ है वेटेड के बाद बोरोइंग का मतलब लोन आउटस्टैंडिंग, लोन आउटस्टैंडिंग और वेटेड का मतलब क्या है। फिलहाल एक छोटा सा सवाल क्वेश्चन वाक लगा दें, मैं अभी क्वेश्चन में समझाता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि नीचे जो मैंने एक छोटी सी आपके सामने वर्किंग लिखी है उसी वर्किंग को शायद थोड़ा सा डिफरेंट नेम्स के साथ ऊपर एक्सप्लेन हुआ। बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड मींस इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट इंकर्ड और डिवाइडेड बाय बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग मींस लोन आउटस्टैंडिंग, वेटेड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है वो फिर मैं अभी क्वेश्चन में बताता हूँ, और मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए हो रहा है ताकि फिर आपका जो रेट है वो परसेंटेज में आ जाए। क्या कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इंटरेस्ट इंकर्ड ले लेंगे जितने लोन्स हैं, डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस कर देंगे और एक रेट को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 कर देंगे। लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब एक से ज्यादा जनरल लोन हो, और अगर एक ही जनरल लोन है तो वही रेट एज इट इज कैपिटलाइजेशन रेट कहलाएगा। लेकिन एक सेकंड के लिए पेज नंबर 86 के स्टार्ट में जाए, कल हमने एक क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर टू, उसमें भी तो एक से ज्यादा लोन थे। तो अब इस वक्त जो हमारा चैलेंज है ना वो ये है कि स्पेसिफिक अलहदा है, जनरल अलहदा है। स्पेसिफिक लोन अगर एक से ज्यादा होंगे तो उनके लिए कोई कैपिटलाइजेशन रेट नहीं, अलहदा अलहदा वर्किंग वैसे ही करेंगे जैसे कल की है। जनरल बोरिंग के केस में अगर एक से ज्यादा रेट लोन्स हैं तो उन लोन्स पे पहले एवरी रेट निकालेंगे और फिर अपने एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रॉब्लम इज कि स्पेसिफिक लोन का तो सारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना है, लेकिन जो जनरल लोन है उनका सारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होना, उसका इंटरेस्ट सिर्फ जो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है उसने कैपिटलाइज होना है। पेज नंबर 86 के एंड में वर्ड्स पढ़े क्या लिखे हुए,
क्वालिफाइंग एसेट पे सिर्फ एक्सपेंडिचर्स का इंटरेस्ट लेना है, सारा क्यों नहीं लेना है? क्योंकि जनरल लोन सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट के लिए नहीं होता, वो अदर पर्पसेस के लिए भी होता है। अदर पर्पसेस से रिलेटेड जो इंटरेस्ट है उसने कैपिटलाइज नहीं होना, उसने एक्सपेंस आउट ही होना है। आ जाए जरा सस्पेंस खत्म करें, क्वेश्चन नंबर थ्री पे। इतनी मुश्किल चीज नहीं है शायद जितनी बात इंग्लिश में लग रही है, इंग्लिश उर्दू में लग रही है। नहीं नहीं वो तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन होगा, अगर 6 मंथ्स होगा तो अकॉर्डिंगली 6 मंथ्स की बेस पर वर्किंग होगी। ये वेट का मतलब वही है, टाइम वेटिंग है, मैं बताता हूं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स है प्लीज आते हैं। पे नंबर कौन सा है जी इस वक्त? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। एमसीक्यू प्राइवेट लिमिटेड, सीरियस हो जाइए प्लीज। एमसीक्यू प्राइवेट लिमिटेड हैज द फॉलोइंग अंडरलाइन पैरामीटर्स। जर्नल लोन्स आउटस्टैंडिंग एज एट 31st December 2015। लोन 1, 2 और 3 कौन से लोन है ये? क्वेश्चन में वर्ड्स हमें ढूंढने होंगे। लोन 1 का रेट 6%, फिर 8% और फिर 9% respectively. All the three loans were brought forward from previous year. Neither loan is taken during the year, nor is repaid. Loan 1 जेब में रख के 3 lakh है closing balance 31st December का, ऐसे ही है सर? Yes, sir. नीचे वाली लाइन अगर पढ़ी जाए तो ये लोन्स पिछले साल से आ रहे हैं। Yes, sir. ये लोन्स ना इस साल लिए हैं ना इसमें से कुछ रीपे हुआ है। लोन 1 का जहन में लेजर बनाएं, 3 लाख क्लोजिंग बैलेंस है, इनिशियली क्लोजिंग बैलेंस है। क्या यही ब्रॉड डाउन बैलेंस भी है? और ब्रॉड डाउन और कैरिड डाउन बैलेंस 3-3 लाख होने का मतलब क्या ये लोन पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा है? आउटस्टैंडिंग किसे कहते हैं? तो जो कॉन्स्टेंट रहा हो पूरा साल एज इट इज लोन रहा है तो इस पे 6% पूरे साल का रेट लगेगा। सिमिलरली 2 लाख पे पूरे साल का 8% रेट लगेगा एंड 1,50,000 पे 9% लगेगा। क्या हो सकता है लोन ड्यूरिंग द ईयर लिया हो? सर जी हो सकता है सर। क्या हो सकता है कुछ रीपे कर दिया हो? तो अकॉर्डिंगली फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस बदल जाएंगे। लेकिन यहाँ इस एग्जाम्पल की बेस पे लोन पिछले सालों से लिए हुए हैं, पिछले सालों से ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहे हैं और इस साल ना कोई रीपेमेंट है ना कोई फर्दर लोन है, which means 3 lakh, 2 lakh or 1,50,000 is outstanding balance for the year, which means इस पे पूरा पूरे साल का interest लगेगा। आगे बढ़े। Then वो कहता है company spend falling amounts on the construction of an asset. क्या है ये? खर्चे हुए? किस पे खर्चे हुए? एक asset पे हुए? 31 जनवरी पे हुए? 1 अप्रैल पे हुआ? 1st December पे हुआ? 70, 80 and 10,000 respectively. Asset is underline करें not yet available for use on 31st December 55. क्या construction हमारे period में start हो गई है? Yes, sir. लेकिन complete हमारे period में नहीं हो सकी है। क्या इस पूरे साल में borrowing cost की capitalization जारी रहेगी? Yes, capitalization start कब है? पे नंबर 85 पे एक नजर देख लो, बस इतना रिवाइज रखा कि हर वक्त सेम। बोरिंग कॉस्ट इंकर हो रही हो और एक्सपेंडिचर इंकर हो रहा हो, दोनों कंडीशंस हो साइमल्टेनियसली। और सीज कब होती है? जब एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए, रिक्वायरमेंट ए में आ जाए, जिस वक्त कैपिटलाइजेशन रेट। जी जरा डाटा देख के बताएं, कैपिटलाइजेशन रेट की जरूरत भी है? कैपिटलाइजेशन रेट की जरूरत कब नहीं होती? हमारे इस केस में कितने जनरल लोन है? कैपिटलाइजेशन रेट का फॉर्मूला ढूंढ के बोले
अभी बेटा वर्किंग है, मैं आपके सामने लिखूंगा, काइंडली इसे देख के, मैं साथ साथ ना लिखें, पहले देख के समझ लें। कैलकुलेटर उठा, जनरल लोन 3 है और अकॉर्डिंगली अब इनके इंटरेस्ट इनकट आएंगे और अकॉर्डिंगली इनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस आएगा। लोन 1,3 लाख रुपीज का है, पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा ये लोन, तो मल्टीप्लाइड बाय 6% अमाउंट बता दें 18,000 इज द इंटरेस्ट इनकट ऑन लोन 1। मेरे साथ है? Yes, बोर्ड पे देखें 18,000 इंटरेस्ट है, और क्या ये इंटरेस्ट पूरे साल आउटस्टैंडिंग बैलेंस का है? Yes, तो बेस में आउटस्टैंडिंग बैलेंस लेना है आपने, तो क्या पूरे साल का इंटरेस्ट है? Yes, पूरे साल का बेटा का इंटरेस्ट है, तो पूरे साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस बेस में आ जाएगा। मैंने क्या किया, इंटरेस्ट इनकट डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग बैलेंस। 12 महीनों का इंटरेस्ट है, अकॉर्डिंगली पूरे 12 महीनों का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। सेकंड वर्किंग करें, 2,08%, 16,000। वंस अगेन पूरे साल का इंटरेस्ट है, देयरफॉर पूरे साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 16,000। थर्ड 13,500 ये इंटरेस्ट है, और पूरे साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 1,50,000। सिंपली किसको किससे डिवाइड करना है, इंटरेस्ट इनकर्ड को आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन से डिवाइड, और देन इनटू 100 करके लिख के काइंडली आंसर बता। जी क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन उसे नेक्स्ट लाइन मिस्टर अमीर अब्दुल्ला मिस कर रहे हैं। ये सारे लोन पिछले साल से आए हैं, जिसका मतलब ओपनिंग भी यही था, और लोन क्योंकि ना रीपे हुआ है ना फर्दर लिया है, इसका मतलब कोई चेंज इस साल नहीं आया। चेंज अगर नहीं आया तो ये पूरे साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। ठीक है मिस्टर अमीर हमदा, आंसर बेटा बताइए। कैंडी रेट्स के एंगल से उसी तरह फाइनल रखें यार, दो डिजिट्स पे चले जाएंगे पॉइंट्स के बाद आ रहे हैं, और रेट राउंड अप करने आफ्टर टू डिजिट्स 7.31%। ठीक है मिस्टर अमीर हमदा, एनी कंफ्यूजन? बी रिक्वायर्ड होना। बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। देन सर ये डिसाइड ही क्या करना है, क्वेश्चंस देखे कि स्पेसिफिक बोरिंग्स या जनरल बोरिंग्स, आज जनरल बोरिंग्स या स्पेसिफिक बोरिंग्स। अगर जनरल बोरिंग्स तो पेज 86 देखें, अब फार्मूला क्या ध्यान में आना चाहिए, एक्सपेंडिचर्स ढूंढेंगे मल्टीप्लाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट करेंगे और फिर टाइम पीरियड काउंट करेंगे। तो इनिशियली अब ये चैलेंज हमारा ये है कि ये जो डिफरेंट सिचुएशन में जो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं ये जरा ज़हन में सेट हो रहे हैं। एनी कंफ्यूजन सर? जी डेटा देखें गांडी, एनी इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स, पहली फिगर के बोलेंगे 70,000। ठीक है एक बात पूरी कर लेने दे मुझे, बाकी अगला बिल्कुल सिंपल है आराम से आप कर लेंगे। 70,000 एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटलाइजेशन रेट ढूंढना 7.31 जो अभी आपने कैलकुलेट किया है, और मल्टीप्लाइड बाय, अब टाइम पीरियड कैसे गिनना है गौर से मेरे साथ देख के सुने दो। 70,000 के एक्सपेंडिचर की डेट पढ़ा 31 जनवरी 15, क्या बोरिंग कॉस्ट ऑनवर्ड्स कैपिटलाइज होनी चाहिए या बैकवर्ड्स, खर्चा होने के बाद या खर्चा होने से पहले?
मीन्स ये हुआ क्या है, ये पैसे हमने कैश में से उठाए होंगे और एसेट पे लगा दिए, तो 31 जनवरी से ऑनवर्ड्स इस 70,000 पे जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो एसेट की वजह से पड़ेगा। कहाँ से उठाए, कहाँ लगा दिए, ये हुआ किस दिन उठा के लगाया। तो यहाँ से ऑनवर्ड इस 70,000 रुपए पे इंटरेस्ट इस क्वालिफाइंग एसेट की वजह से पड़ेगा। तो कहाँ से काउंट करना है, डेट ऑफ एक्सपेंडिचर से ऑनवर्ड्स। कहाँ तक काउंट करना है, कहाँ तक काउंट करना है, कमेंसमेंट इस एक्सपेंडिचर की होगी 31 जनवरी से। अब कहाँ तक ये गेम जानी है, जब तक सीज डेट ना। और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अभी ये एसेट कंप्लीट नहीं हुआ इस साल, देयरफॉर सीज डेट का इशू नहीं आ रहा। तो कहां से कहां तक अब मैं जाऊंगा, 31 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक जाऊंगा। कितने महीने बन जाएंगे, जनवरी कंप्लीट हो गया था 31 जनवरी, देयरफॉर 11/12 का टाइम पीरियड आ जाएगा। सबको बात समझ आ गई, प्लीज एक और करवा दें कैंडी। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटलाइजेशन रेट कितना है, डेट ऑफ एक्सपेंडिचर कितना है, सॉरी डेट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, डेट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से ऑनवर्ड्स या बैकवर्ड्स, ऑनवर्ड्स कहां तक जाएंगे, जब तक सीज डेट ना आ जाए, जब तक सीज डेट ना आ जाए, सीज डेट आने से पहले लेकिन क्या आ गया है, ईयर एंड आ गया। तो कहां तक गिन देंगे, कहां तक गिन देंगे, अप्रैल से दिसंबर तक कितने महीने बन गए, 9/12। एक मिनट बात पूरी सुने, लेट्स अज्यूम क्वेश्चन के लास्ट लाइन में लिखा होता कि अक्टूबर के एंड पे जाके एसेट कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट एक्सपेंडिचर वापस आ रहे हैं, 31 जनवरी से लेके कहां तक गिनता, अक्टूबर तक, अकॉर्डिंगली मंथ्स आते हैं, 1 अप्रैल से कहां तक गिनता, तो कहां तक जाता, सीज डेट तक, लेकिन यहां सीज डेट ना होने की वजह से कहां जाके रुका हूं, ईयर एंड तक जाके रुका हूं। ऑब्वियसली जो नेक्स्ट ईयर में और कंप्लीशंस होनी है उसकी बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज होगी, कब तक होती रहेगी, जब तक सीज डेट ना आ जाए। अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंटिंग 31 दिसंबर हमारा ईयर एंड आ रहा है, तो देयरफॉर जनवरी से लेके, जनवरी के एंड से लेके 11 मंथ्स बने, 1 अप्रैल के स्टार्ट से लेके एंड तक बने 9 मंथ्स। लास्ट सर खुद से काउंट कर दें, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/12, 11 बने हैं फरवरी टू दिसंबर, फरवरी टू दिसंबर, अप्रैल टू दिसंबर एंड 1 मंथ जो है दिसंबर का महीना, 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर। एनी कंफ्यूजन सर एनीवेयर, आंसर बताइए, 9138 राउंड ऑफ कीजिएगा करनी, 9138 46 9 इंडिविजुअली बोलिए, 4386 मिस्टर नमान फिगर्स बताइए, 4691 4386 4386 61, तीनों का सम करें, 9138 का नाम बता दें, बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज्ड, रुपीज वाला राउंड ऑफ करें मिस्टर नमान अली, ये बड़ा अगर नेक्स्ट ईयर में, हमारे इस केस में नेक्स्ट ईयर में ही आ रही है सीज डेट, अगर नेक्स्ट ईयर में आ रही है तो हम इस साल के एंगल से 31 दिसंबर पे रुक जाएंगे, फिर जब नेक्स्ट ईयर में वर्किंग करेंगे तो यकीनन जो और टाइम पीरियड होगा उस पर भी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे होगी। फिलहाल मैं कहाँ क्यों रुका हूँ, ईयर एंड पे इसलिए रुका हूँ क्योंकि हमारे इस पीरियड में कैपिटलाइजेशन अभी कंटिन्यू रही है, एसेट कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर, क्लियर हो गया जी, प्लीज सारा ये मंथ्स काउंट करने आगे कहां से कहां तक गिनना होता है, एक्सपेंडिचर की डेट से सीज डेट तक, अनलेस ईयर एंड आ जाए, और अभी सीज डेट ना आई। ठीक है, ये सी रिक्वायरमेंट है।
कर लें, जरा कंप्लीट कर लें, मेरा लिख दो ब्रेक कर। सी रिक्वायरमेंट लिखे हेडिंग, कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 नंबर 2005। ये कैरिंग अमाउंट कैसे आती है? कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट की तरफ आए, कॉस्ट कैसे आती है? एक्सपेंडिचर्स पे आए, एक्सपेंडिचर्स पे, एक्सपेंडिचर्स हुए कितने 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 70 + 80 + 10 और टोटल एक्सपेंडिचर हो गए 160,000। इसमें कुछ ऐड भी है ना? क्या क्या क्या? बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट अप्लाइज, बोरिंग कॉस्ट बी अप्लाइज, रिक्वायरमेंट बी देखें कितनी बोरिंग कॉस्ट अप्लाइज होंगे। दोनों को सम करें, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस 169138 कॉस्ट लेस एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन, लेस एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन बाय नो डेप्रिसिएशन, वाई नो डेप्रिसिएशन? एसेट अभी बेटा अवेलेबल फॉर यूज ही नहीं है, तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन नहीं है और देयरफॉर एक्युमुलेटेड भी नहीं है। लेकिन आपको ये पता है कि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन जीरो होने की वजह से यही कॉस्ट कैरिंग अमाउंट है। कैरिंग अमाउंट असल में अपने जहन में जरा बैलेंस शीट बनवाया, जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में कैरिंग अमाउंट मीन्स जो फाइनल फिगर आ रही होती है एसेट की, उसे कहते हैं। तो अगर एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है तो कॉस्ट में से एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करके कैरिंग अमाउंट आएगी, और अगर एसेट डेप्रिशिएट नहीं हो रहा तो जो कॉस्ट है वो ही एज इट इज कैरिंग अमाउंट होगी। मीन्स उसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी 5 बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन हो, ईयर एंड तक कंप्लीट नहीं हुई, 60% 70% फॉर एग्जाम्पल सारी कंप्लीट है, तो क्या जितने जितने परसेंट कंप्लीट है उतनी उतनी अमाउंट्स आपके एसेट्स में आनी चाहिए? सर जी आनी चाहिए सर। हाँ, जब 100% कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर टोटल कॉस्ट आएगी, और अगर आपने उसका डेप्रिसिएशन भी चार्ज की होगी तो फिर माइनस करके आएगी। अगर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है तो वो हो गई डैश, और डैश होने का मतलब जो कॉस्ट है वही कैरिंग अमाउंट का मतलब, वही अमाउंट एज इट इज फिलहाल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में जा जाएगी। इन अदर वर्ड्स ये जो एसेट आपका ये फिलहाल 169138 पे ही ईयर एंड पे आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? कोई और चीज आपके ज़हन में आती हो? जानले स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन? चलें यहाँ ब्रेक कर लें, मेरा नमाज का टाइम हो रहा है, डी रिक्वायरमेंट भी आगे करते हैं। कोशिश करें 420 से आगे ना जाए, नहीं 420 सॉरी 410 एक दफा 20 निकला मेरे मुंह से, लेकिन 3 दफा 410 हो गए। 15 इट्स अ नमाज ब्रेक, नॉट दैट ब्रेक। मेरे साथ ही आ रहे हैं, इकट्ठे ही आते हैं वापस। जी ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स
पेज नंबर 86 87 ऑनलाइन स्टूडेंट आ गए नहीं? रिक्वायरमेंट सी पे दोबारा एक मिनट आए करो यार. ये बेटा जो मैं कैरिंग अमाउंट की बात कर रहा था, ये जो मैं कैरिंग अमाउंट ऑफ 169138 की बात कर रहा हूँ, ये जरा कंडीशन सेकंड सुनिएगा तो पति बस करें क्या होगी क्या ढूंढ रहे कैरिंग अमाउंट ढूंढ रहे देखिए अगर सपोज आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हो ना, एज ऑन 31st December 2005 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सबसे पहले क्या आता है? नॉन करंट एसेट्स में आइए 16th में सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में वो एसेट्स होते हैं जो अवेलेबल फॉर यूज हो गए हो, टेंजेबल हो, अवेलेबल फॉर यूज हो गए हो, डेप्रिशिएट हो रहे हो. अगर लैंड के अलावा एसेट्स हैं तो उनकी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी. लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स एक्सेट्रा. लेकिन अगर कोई आपके एसेट्स इन अंडर कंस्ट्रक्शन हो, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई मशीनरी इंस्टॉल हो रही है, तो ऐसे एसेट्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं उन्हें कहा जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. जो हजरात कॉस्ट पड़ रहे हैं, एक वर्ड होता है सिर्फ वर्क इन प्रोसेस. वर्क इन प्रोसेस का मतलब ऐसी गुड्स जो बन रही हैं वो करंट एसेट होता है. गुड्स अगर बन रही है, ये नॉन करंट एसेट्स हैं. बिल्डिंग बन रही है, मशीनरी है, नॉन करंट एसेट विच एवर यूज़फुल है मोर देन वन ईयर. अगर कोई नॉन करंट एसेट बन रहा है अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके लिए वर्ड होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. अपना जरा डाटा देखेंगे सर, क्या ये एसेट अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है? कितना खर्चा हो गया है? तो विदाउट डिडक्टिंग एन एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन, ये 169138 है एज इट इज इस हेडिंग के सामने आ रहा है, सही? Yes, तो ये अमाउंट जितनी इंकर हो गई है ये भी आपका एसेट है, लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं हुई. देयरफॉर ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में किस नाम से एसेट आता है और किस हेडिंग में आता है? नॉन करंट एसेट्स में प्रेजेंट होता है. तो मेरे ख्याल बात हो रही है, जरा कहीं लिखी लें ताकि नेक्स्ट टाइम फिर जरा याद रहे. नहीं, मेरा प्रेजेंटेशन जरा कर लिखो सी रिक्वायरमेंट के नीचे. ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ गई बात? अगर गुड्स बन रही हैं, ऐसी चीजें जिन्हें आपने बना के बेचना है, उसके लिए वर्ड है वर्क इन प्रोसेस. जस्ट वर्क इन प्रोसेस, ये क्या है? ये वो एसेट्स हैं जिन्हें हमने बना के इस्तेमाल करना है और इनकी लाइफ एक साल से ज्यादा है. नॉन करंट एसेट्स हैं, देयरफॉर कैपिटल साथ वर्ड है और फिर वर्क इन प्रोग्रेस मैंने लिखा. वर्क इन प्रोसेस भी अगर लिखा हो, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस या प्रोग्रेस, उससे खैर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स आफ्टर द हेडिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. क्या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेप्रिशिएट भी हो रहा होगा? कब तक एक एसेट को हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कह रहे होंगे? जब तक वो अवेलेबल फॉर यूज नहीं होगा. जब एक बिल्डिंग फॉर एग्जांपल बन रही थी तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, जब बन जाएगी तो फिर उसका हेड बदल देंगे, फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के हेड से उसे निकाल के बिल्डिंग के हेड में डाल देंगे. तब तक बिल्डिंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के हेड में रहेगी, ठीक है? तो जब बन जाएगी फिर वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ट्रांसफर हो जाएगी,
और वहां से ऑनवर्ड्स पर डेप्रिसिएशन भी स्टार्ट होगी। यस, वर्क इन प्रोसेस में है, वर्क इन प्रोग्रेस है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, फिलहाल उसकी डेप्रिसिएशन का कोई सवाल पैदा नहीं होगा। स्टिल एनी कंफ्यूजन? चले आप डी रिक्वायरमेंट पर कहीं बैठी सवाल पढ़े जी, जरा डी रिक्वायरमेंट पर बनाए अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी। अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस अगर इन्वेंट्री बन रही होगी तो करंट एसेट्स में आएगी, अगर बिल्डिंग बन रही है मोर देन वन ईयर लाइफ तो नॉन करंट एसेट्स में आएगी। जी सर, रिक्वायरमेंट का मीनिंग बताएगा अपने वर्ड्स में। बी रिक्वायरमेंट का भी क्या कैलकुलेट हुआ, बी रिक्वायरमेंट में क्या कैलकुलेट हुआ, वो बोरिंग कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड हो। बी में क्या कैलकुलेट करना, वो अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट जब प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस जा रहा है। रिक्वायरमेंट ए में जाए, रिक्वायरमेंट ए कंसंट्रेट कीजिएगा पूरी तरह, छोटी छोटी बातें सही में सेट करते करते चले जाए। रिक्वायरमेंट ए में तीन हमारे लोन्स थे ठीक है, जिनका कैपिटलाइजेशन रेट निकला हुआ, तीनों लोन्स पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहे हैं, उनका इंटरेस्ट इंकर्ड लिखा हुआ है। कैलकुलेटर पढ़े 18,000 लिखे कैलकुलेटर पर, प्लस 16,000 प्लस 13,500 हमारे इस अकाउंटिंग पीरियड में तीन लोन्स पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहे, बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट रेट 47,500 का टोटल इंटरेस्ट बनता है। सही है सर, रिक्वायरमेंट बी में है। 9138 का मीनिंग बताया, ये वो बोरिंग कॉस्ट है जो कैपिटलाइज होनी है, 47,500 टोटल बोरिंग कॉस्ट है, तीन लोन्स हैं, रेट्स हैं, पूरे साल के तीन लोन्स का टोटल इंटरेस्ट 47,500 बनता है। कैपिटलाइज कितना हुआ है, जो बैलेंसिंग फिगर है उसका क्या होना चाहिए, एक्सपेंस आउट होना चाहिए। तो व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस, लिखे आगे लिखे आके टोटल इंटरेस्ट टोटल बोरिंग कॉस्ट, टोटल बोरिंग कॉस्ट मैंने कैलकुलेट करवाई अभी आप लोगों को, 18,000 प्लस 16,000 प्लस 30,000 13,500 टोटल हो गया 47,500। इसमें से क्या लेस कर दें, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज की अमाउंट है 9138, व्हाट इज द रिमेनिंग बोरिंग कॉस्ट, 3862 to be recognized as a borrowing cost to be recognized as an expense. Total है 47,500. उसमें से 9138 डेबिट हो रहा है एसेट में, सही कह रहा हूँ? जो रिमेनिंग अमाउंट है वो डेबिट हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में। Borrowing cost to be recognized as an expense. बैंक को टोटल इंटरेस्ट आप इस साल कितना देंगे, 47,500। बैंक इज लीस्ट बॉदर्ड कि आप उस इंटरेस्ट उस लोन का क्या कर रहे हैं, उसे अपने इंटरेस्ट चाहिए, तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, 47,500। उसको अकाउंटिंग पॉइंट वे से हम लोग
कैसे डिफरेंशिएट कर रहे होंगे 9138 एसेट के कॉस्ट में और 38362 प्रॉफिट एंड लॉस में फाइनेंशियल चार्जेस, कितना कितना क्या क्या डेबिट कर रहे होंगे। असल में आपको एक एंट्री की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, बात थोड़ी सी जरा सही तरह क्लियर करना। टोटल कैश या पेबल कितने से क्रेडिट होगा, अगर सारा इंटरेस्ट दे दिया होगा तो 47500 सारा कैश क्रेडिट हो जाएगा, अगर सारा देना होगा तब भी 47500 पेबल हो जाएगा, अगर कुछ दे दिया होगा कुछ रह गया होगा टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा 47500 इसमें से अगर कुछ दे दिया कुछ रह गया टोटल इंटरेस्ट इनकर कितना होगा 47500 की डबल एंट्री जरा लिखें एक जस्ट एक सेकंड। डबल एंट्री लिखे सर 9138 के अगेंस्ट डेबिट होगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये क्या होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्वालिफाइंग एसेट दोबारा सर जी 9138 सर डेबिट हो रहा है सर, कहाँ हो रहा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस किसे कहते हैं, एक ऐसा एसेट जो बन रहा है सर नॉन करंट एसेट या करंट एसेट, 38362 के अगेंस्ट क्या डेबिट होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या होगा कैश, अगर सारा दे दिया होगा कैश क्रेडिट है, अगर सारा देना होगा पेबल है, और अगर कुछ कैश दे दिया होगा कुछ रहता होगा तो जितना दे दिया है उतना कैश क्रेडिट हो जाएगा और रिमेनिंग पेबल हो जाएगा, टोटल कितने से क्या क्रेडिट हो जाएगा कैश या पेबल 47500। जी सर जी कंसिडर डेट क्या किसान करें, जी अब्दुल राजू साहब ये बात बाद में करते हैं। प्लीज फोकस करें, जो इस वक्त डिस्कशन हो रही है वो यकीनन बात रहती है, अभी अभी कर लेते हैं। एनी कंफ्यूजन सर, व्हाट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, एनी कंफ्यूजन, फाइनली एनी कंफ्यूजन, क्रेडिट समझ आता है, क्रेडिट समझ आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करें, ये इंडिविजुअली पढ़ा जरा सारा डेटा क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज इकट्ठे हाँ सब कुछ हो सकता है, शुरू तो होने दे काम। ऑनलाइन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है प्लीज कोई कंफ्यूज, Sublime Sports Limited is currently manufacturing its power plants up to 31st December 2013. The company has incurred cost totaling 5 lakh on construction of one of its plants. Following general loans are outstanding. Once again, abhi general loans ka question. Loan from MCB hai, UHBL hai, UBL hai, 9%, 10%, 11%. एक से ज्यादा जनरल लोन है कैपिटलाइजेशन रेट निकलेगा। लोन फ्रॉम एचबीएल वाज टेकन ऑन 1st July 2013 व्हाइल अदर लोन्स वर ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, रिक्वायरमेंट में जाएं ईयर एंड ढूंढने के 31st December ईयर एंड है वापस आ जाएं, जो एचबीएल वाला लोन है वो कब लिया है, एचबीएल वाला लोन कितने मंथ्स आउटस्टैंडिंग रहेगा, बाकी लोन पिछले सालों से आ रहे हैं तो वो पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहेंगे। नेक्स्ट आगे एक्सपेंडिचर्स ऑन द लैंड 31st May है, 31st July है, वंस अगेन प्लांट नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज है, नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट पेज रिक्वायरमेंट 1 कंडीशन करें, मेरे साथ साथ रहना, रिक्वायरमेंट ए मेरे करवा दें बाकी सब रिपीट होना है, वो इंडिविजुअली करना है। और बेटा फैसल मैंने नहीं किया है, ये मेरे पे इल्जाम है, मैंने एक्सपेंस को 47500 से डेबिट नहीं किया है, खुद गौर से देखें आप क्या कह रहे हैं, ये मेरे पे इल्जाम है, मैंने जो किया है उसे डेबिट नहीं कहते मिस्टर फैसल, वो क्रेडिट है।
ना करें यार फैसल, क्या हो गया यार, एक्सपेंस का ब्रेकअप हुआ है यार। 9138 डेबिट हुआ एसेट में, 38362 डेबिट हुआ एक्सपेंस में, कैश क्रेडिट हो रहा है। बैंक तो इतने पैसे लेकर है, और अगर पैसे नहीं दिए तो पैसे लाइबिलिटी होंगे। जी सर, ये कैपिटलाइजेशन है प्लीज जरा करवाना है, एक छोटा सा डिफरेंस, और बीच में जो कैपिटलाइजेशन रेट के फॉर्मूले में एक वेटेड वर्ड आ रहा था वो जरा फाइनल कर लेना। फॉर्मूला ढूंढने जरा पेज नंबर 87 के स्टार्ट कर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कैंडी, इन क्वेश्चंस का मकसद अपने जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन सही हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो आगे भी बड़े सवाल हो जाएंगे। तो कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ फॉर्मूला जरा बोलना शुरू करें इंग्लिश में देख कर, बस बोरिंग कॉस्ट पे इनकर्ड पे रुक जाए, बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड पे रुक जाएगा। कैलकुलेटर उठा, एमसीबी बैंक का लोन है 5 लाख, क्या ये 5 लाख का लोन पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा, मल्टीप्लाई 9% 45,000। अगर पूरे साल का इंटरेस्ट ले रहे हैं तो बेस में भी पूरे साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस लेंगे। अगर 12 मंथ्स का इंटरेस्ट है तो 12 मंथ्स का ही आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। HBL का लोन एक मिनट छोड़ दें और पहले UBL के लोन पे चले जाएं। UBL का लोन कितना है 375,000, क्या ये लोन भी पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा है, इनटू 11% करें 41250, पूरे साल का इंटरेस्ट ले रहे हैं देयरफॉर पूरे साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस लेंगे। अब एक सेकंड बोर्ड पे देखें, ये जो बेटा वर्किंग हो रही है इसमें हो क्या रहा है, नहीं एक मिनट, नहीं कैपिटलाइजेशन रेट का कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर कर लेना। अपने कैलकुलेटर पे 45,000 लिखा था और उसे एज इट इज जरा डिवाइड करें 5 लाख से। असल में ये एवरेजिंग में वही रेट दोबारा बन जाएगा, ये 0.09 मींस 9% बन जाएगा। जीरो करें, 41250 इंडिविजुअली लिखें और डिवाइड बाय 375,000 करें, तो ये वही 0.11 बन जाएगा, परसेंटेज में बन जाएगा। तो असल में हो ये रहा है कि जो रेट्स हैं लोगों के वो एवरेज आउट हो रहे हैं आपस में, ठीक है, ये बात ध्यान में रखे। आप आए जरा HBL के लोन पे और प्लीज करवाया करें, पहले नई चीज अगर तो सुना करें। HBL का लोन है 6,25,000, उसका रेट है 10%, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग रहा है 6 मंथ्स, तो 6,25,000 इंटू 10% इंटू 6/12 इज इक्वल टू हो जाएगा 31250। 6 मंथ्स आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, देयरफॉर 6 मंथ्स का मैंने इंटरेस्ट इंकर्ड लिख दिया। जस्ट अ मिनट बोर्ड पे देखें। अब बेटा अगर 31250 की बेस में मैं पूरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिख दूं जिस तरह मैं अदरवाइज लोन्स में लिख रहा हूं, तो इससे होगा क्या, जरा सिर्फ 31250 दोबारा कैलकुलेटर पे लिखें और डिवाइड बाय 625,000 करें। ये पूरा 10% नहीं बनेगा, ये हाफ रेट बन जाएगा, ये 0.05 समथिंग बन रहा है। असल में हो क्या रहा है, दोबारा पहला और तीसरा देखें। अगर लोन पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा तो इंटरेस्ट भी 12 मंथ्स का और अकॉर्डिंगली आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी 12 मंथ्स के एंगल से वेट होगा, 12 मंथ्स के एंगल से उसका वजन आएगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट लेस देन 1 ईयर का ले रहे हैं तो अकॉर्डिंगली फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी आपने लेस देन 1 ईयर पे वेट करना है। मतलब इसका यह है कि अगर मैं 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ले रहा हूँ तो अकॉर्डिंगली अब 6,25,000 पूरा नहीं आएगा, ये भी 6/12 होके वेटेड बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप लेस देन 1 ईयर का इंटरेस्ट ले रहे हैं तो अकॉर्डिंगली बैलेंस आउटस्टैंडिंग भी लेस देन 1 ईयर में वेट करेंगे। अगर 8 मंथ्स का इंटरेस्ट होता तो 8/12 करके आउटस्टैंडिंग बैलेंस को भी एडजस्ट करते। पहले और तीसरे में मसला क्यों नहीं आया, 12 मंथ्स का इंटरेस्ट है और नीचे बैलेंस भी मल्टीप्लाई बाय 12/12 हुआ हुआ है, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ ये इशू वेटेड वाला कब आएगा, अगर लेस देन 1 ईयर का इंटरेस्ट है तो अकॉर्डिंगली आउटस्टैंडिंग बैलेंस का भी आपने उसी टाइम पीरियड में एडजस्ट कर लेना है जिस टाइम पीरियड की बोरिंग कॉस्ट आप अमाउंट कैलकुलेट कर रहे होंगे। मीन्स उसे फॉर एग्जांपल बोर्ड पर देखें, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन लेकिन मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो अकॉर्डिंगली आउटस्टैंडिंग बैलेंस एवरेज के एंगल से वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस 31250 आएगा। मेरी बात समझ आ गई है, इफ द इंटरेस्ट इज ऑफ लेस देन 1 ईयर देन अकॉर्डिंगली आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी उसी टाइम पीरियड में वेट करके आपने लिखना है। अब क्लियर है, बाकी एवरीथिंग इज रिमेन सेम, बाकी एवरीथिंग रिमेन सेम, मल्टीप्लाई 100 फिगर्स भी लिखे हैं,
सर एक्सप्लेन करें इधर अगर 8 मंथ्स का इंटरेस्ट होता तो 8/12 करके वेट करते, 9 मंथ्स का होता तो जितने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट है अकॉर्डिंगली उसी टाइम पीरियड में वेटेड एवरेज बैलेंस ने अपीयर होना है। अब वेटेड वर्ड समझ आ गया, वेटेड वेटेड मींस टाइम वेट होना, तो अकॉर्डिंगली टाइम के एंगल से एडजस्टमेंट होना है। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, जरा दोबारा कर, बच्चे एंजॉय कर ले। क्या हो गया यार, खुदा का नाम है। इसका मतलब आवाज आती है अगर पढ़ाई से रिलेटेड ना हो तो लिखने से। मैं चीख रहा हूं माइक पे, वेटेड क्या होता है, अभी आंसर आया सर, रिपीट करते हैं। वो भी रिपीट ही चला गया ना, करे बेचारा बीमार है यार, क्या हो। रेट बता दें यार, 9.89 नहीं 10% खुदा के लिए, क्यों बच्चों से मरो, 9. बता दे जो आ रहा है, 8.9% रिक्वायरमेंट बी सी और डी आप इंडिविजुअली करने लगे हैं। मैं 5 मिनट बाद सारी की वर्किंग लिखता हूँ आपके सामने, बिल्कुल सेम है, ट्राई करें। जॉनलेस क्लियर प्लीज। Expenditures into capitalization rate into time period. ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा अपना आंसर भेजें, टोटल बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर, ठीक हाँ सही। अब सब लोग 8-9% से वर्किंग कर रहे हैं यार, लास्ट लाइंस में जो मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं कंडी, अभी जरा टोटल बताएं, टोटल बोरिंग कॉस्ट। टोटल कर लो, टोटल नहीं मन सही काउंट करो, दोबारा देख लो। एक्सपेंडिचर तो मिल गया ना, 3,02,00,000 इंटू रेट, मंथ्स काउंट करो कहां से ऑनवर्ड्स, 2,555। एक्सपेंडिचर से ऑनवर्ड्स जाना है, रेंट तक एसेट कंप्लीट नहीं हुआ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए प्लीज। तो 5,550 ठीक है बेटा, राउंड ऑफ किया करो मिस्टर अमित, राउंड ऑफ जी फरुख बेटा, ठीक है जी, ठीक है 7 मंथ्स और 5 मंथ्स। आंसर तक पहुंचा, जी सर जी आंसर, तो 5,550
फोर नाइन पॉइंट समथिंग होगा मेरे ख्याल, राउंड ऑफ हो जाएगा, राउंड ऑफ करके लिखे सेवन बाय ट्वेल्व और फाइव बाय ट्वेल्व गिन लेंगे। मई से आगे जून भी आना है, जून मिला के सेवन बनेंगे। 31 जुलाई फाइव, इंडिविजुअल आंसर बताइएगा। 1738 8242। रेट अगर आए तो पॉइंट्स में चले जाएं, दो डिजिट्स में जाके राउंड ऑफ कर लें, लेकिन अगर अमाउंट आए तो उसे रुपीज में राउंड ऑफ कर लें। वैसे प्लीज राउंडिंग ऑफ में भी टाइम ना वेस्ट करें। ये नुमान साहब दोबारा वर्किंग चेक कर लेंगे। 2555 0 2555 0 है, बाकी ठीक है। अगर 49 है तो राउंड ऑफ हो रहा है, क्या करें, सही राउंडिंग ऑफ भी किया करना यार। ये ठीक है फिगर, नहीं 0.5 से ऊपर है तो हायर पे, उधर उधर चला जाएगा। इधर है 0.5 है तो फिर भी हायर पे है। फिगर ठीक होगी आपकी लास्ट लाइन में। 7/12 5/12 गिन लिए सबने, एनी कंफ्यूजन, सी रिक्वायरमेंट कर ले अपने हाथ से फाइनल कर ले। ये 525 हो जाएगा ठीक है, लेकिन प्लस करें, एक्सपेंडिचर लिखें, बोरिंग कॉस्ट वर्ड्स पूरे लिख के करें, शॉर्टकट्स नहीं प्लीज। अगर एट अवेलेबल फॉर यूज है पर कॉस्ट ही कैरिंग अमाउंट है, बट कॉस्ट इज सम ऑफ एक्सपेंडिचर 5 lakh 3 lakh प्लस 2 lakh बोरिंग कॉस्ट फाइव ट्वेंटी फाइव डबल फाइव जीरो। accumulated appreciation लिख के जरा डैश लगा ले, जरा बाद में याद रहेगा कि accumulated appreciation क्यों नहीं है, asset available for use नहीं है, therefore यही 5 to 5 carrying amount है। लास्ट वर्किंग करें। अच्छा नए नए तरीके हर सवाल में नहीं निकालने। जनरल बोरिंग में अगर आपने बोरिंग कॉस्ट भी रिकॉग्नाइज और एक्सपेंस कैलकुलेट करना, तो पहले जनरल लोन्स का टोटल इंटरेस्ट लें, उसमें से जो कैपिटलाइज हुआ वो लेस कर दें, और रिमेनिंग फिगर एक्सपेंस की फाइंड आउट कर लें। तो काइंडली प्लीज सेम जब सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाए तो वर्किंग का तरीका नहीं करनी बदलना। बोरिंग कॉस्ट भी रिकॉग्नाइज और एक्सपेंस वैसे ही रिपीट करें जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हो रहा था, क्वेश्चन नंबर 3 में सॉरी 91950। टोटल था इंडिविजुअल फिगर बताइए, 45,000 3125 0 4125 0 टोटल हो गया 117500 लेस कैपिटलाइज या टू बी कैपिटलाइज जो भी लिखा आपने 25555 0 बैलेंसिंग फिगर 91950 तो बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस। तब ओके सर, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना शुरू करें।
टू मच टाइम इज लेफ्ट ही आपको दागल क्या हो गया आज तो एक्स्ट्रा क्लास भी है किसने कहा एक्स्ट्रा क्लास है मैंने पूछा आज तो एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं है सॉरी लेकिन टाइम तो यूटिलाइज करना है नहीं सर ये कैपिटलाइजेशन रेट से तो वो अमाउंट आनी है जो कैपिटलाइज होनी है तो एक्सपेंस की अमाउंट तो कैपिटलाइजेशन रेट से नहीं ना आप एक चीज मिक्स कर रहे हैं वो मुझे खुद बताऊंगा मैं स्पेसिफिक जर्नल में एक चीज मिक्स कर रहे हैं आप वो जब वक्त आएगा मैं खुद बताता हूँ लेकिन वो तो कैपिटलाइजेशन रेट तो कैपिटलाइजेशन के अमाउंट के लिए उसका इससे कोई लिंक नहीं है आपके जहन में जो चीज आ रही है वो इस वक्त गलत तरफ जा रही है तो यहाँ रुक जाए मैं खुद बताता हूँ लेकिन कैपिटलाइजेशन रेट तो इसके लिए नहीं है वो तो कैपिटलाइजेशन के लिए तो कैपिटलाइजेशन रेट से जो अमाउंट आई है वो लेस कर दे टोटल में से बैलेंसिंग फिगर निकाल ये सर क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज सीरियस ये क्वेश्चन नंबर 4 तक ओके है सर डी रिक्वायरमेंट सभी डन है रिक्वायरमेंट डी डन है सर चलो आगे चले सर ये थोड़ा सा जरा कंपैरेटिवली चैलेंजिंग सवाल आ रहा है पहला क्वेश्चन नंबर 5 सॉकर लिमिटेड बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू स्टेडियम ऑन 1st January 2015 डिटेल ऑफ प्रोग्रेस पेमेंट अंडरलाइन कर प्रोग्रेस पेमेंट्स कुछ कंस्ट्रक्शन बिजनेस के हवाले से एग्जामिनर इंक्वेस्ट में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करता है आपको भी आइडिया होना चाहिए ताकि अकॉर्डिंगली आप सही ट्रीटमेंट कर सकें इसका वर्ड का मीनिंग जरा समझने के लिए रिक्वायरमेंट के नीचे एक सी रिक्वायरमेंट के नीचे एक सेंटेंस ढूंढना जरा प्रोग्रेस पेमेंट दो नोट लिखे हुए नोट से ऊपर एक प्रोग्रेस पेमेंट वर्ड है मिल गया प्रोग्रेस पेमेंट का मतलब होता है पेमेंट्स मेड टू कॉन्ट्रैक्टर बाय कस्टमर एज द वर्क इज बीइंग कंप्लीटेड मतलब बेटा इसका ये है जरा बोर्ड पे देखें कंस्ट्रक्शन अगर करवाई जा रही हो किसी कॉन्ट्रैक्टर से तो जो कंस्ट्रक्शन करवा रहा होता है वो कस्टमर है और जिससे कंस्ट्रक्शन करवाई जाए उस ठेकेदार को सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं अगर हम कंपनीज के एंगल से सोचें तो जो कंपनी कंस्ट्रक्शन करवा रही है वो कस्टमर है और वो कंपनी जिससे कंस्ट्रक्शन करवा रही है वो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर कौन है जिससे काम करवाया जा रहा है और कस्टमर कौन है जो काम करवा रहा है तो अगर कस्टमर कंपनी के एंगल से सोचें तो कंपनी हमारी सपोज जो बिल्डिंग बनवा रही है वो कस्टमर है जिससे बनवा रही है वो कॉन्ट्रैक्टर है अब काम किसने करना है किसके बिहाफ पे करना है कॉन्ट्रैक्टर ने कस्टमर के बिहाफ पे करना है कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है जैसे जैसे काम कंप्लीट होता जाए तो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट फॉर एग्जाम्पल अगर 20% काम हुआ है तो 20% काम के अगेंस्ट बिल पेश कर देता है कस्टमर को कौन किसको क्या पेश करेगा अब देखिए कुछ पैसे एडवांस में देने होते हैं कुछ साथ साथ देने होते हैं ये नहीं होता कि सारा काम कंप्लीट होगा तो एक दफा पेमेंट होगा तो जैसे जैसे काम कंप्लीट हो रहा होता है कॉन्ट्रैक्टर कस्टमर को जो बिल देता है उस बिल को बोलते हैं प्रोग्रेस बिल ये प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है काम जारी है तो क्योंकि अभी काम जारी है सारा कंप्लीट नहीं हुआ जितना हो गया है उसके हिसाब से बिल भेजा है इन बिलों का नाम ही क्या पड़ जाता है प्रोग्रेस बिल फॉर एग्जांपल 20% काम हुआ 20% काम के अगेंस्ट पेमेंट के लिए बिल पेश कर दिया फिर 10% और हुआ फिर बिल आ गया तो ये जो साथ साथ बिल आ रहे होते हैं किसकी तरफ से आ रहे होते हैं इनको क्या बोलते हैं प्रोग्रेस बिल कॉन्ट्रैक्टर कस्टमर को देता है कस्टमर फिर क्या करेगा इन बिल्स के अगेंस्ट जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेगा उसे बोला जाता है प्रोग्रेस पेमेंट कौन किसके अगेंस्ट किसको पेमेंट करता है कस्टमर प्रोग्रेस बिल्स के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है उन पेमेंट्स को बोलते हैं प्रोग्रेस पेमेंट्स को अगर सोचा जाए तो ये वो कॉस्ट है जो कस्टमर की क्वालिफाइंग एसेट पे इंकर हो रही है क्या फाइनली ये वो एक्सपेंडिचर है जो कस्टमर का
इस कॉन्ट्रैक्ट पे अपने एसेट पे इंकर हो रहा है। yes, तो प्रोग्रेस पेमेंट सिंपली मींस एक्सपेंडिचर्स की बात हो रही है, सही कह रहा हूँ? ऊपर आए एक दफा, नीचे वर्ड्स पढ़ के दोबारा पर आए और प्रोग्रेस पेमेंट्स के साथ एक्सपेंडिचर्स वर्ड लगाए। किसके किस पे एक्सपेंडिचर्स? किसके किस पे एक्सपेंडिचर्स? कस्टमर के क्वालिफाइंग एसेट पे एक्सपेंडिचर्स। जो किसको पे कर रहा है वो, हु इज कॉन्ट्रैक्टर, हु इज कॉन्ट्रैक्टर, जो किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, बिल कौन देता है, कॉन्ट्रैक्टर कस्टमर को देता है, उसके अगेंस्ट पेमेंट कौन करता है, बिलों को बोलते हैं प्रोग्रेस बिल और उसके अगेंस्ट पेमेंट को बोलते हैं प्रोग्रेस पेमेंट। प्रोग्रेस पेमेंट किसे कहते हैं? अब वो सेंटेंस पढ़े जो बुक में लिखा हुआ था, पेमेंट्स मेड टू कॉन्ट्रैक्टर बाय कस्टमर एज द वर्क इज बीइंग कंप्लीटेड। फॉर द पर्पस ऑफ दीज क्वेश्चंस प्रोग्रेस पेमेंट सिंपली मींस एक्सपेंडिचर्स की बात हो रही है। वापस ऊपर आ जाए, एक्सपेंडिचर्स डिफरेंट डेट पे उनकी अमाउंट्स लिखी हुई है। कौन कौन से डेट्स हैं? स्टेडियम वाज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन ऑन 31st December, इट मींस अभी कंप्लीट नहीं है। बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन 31st December 2015 तक जाएगी। जाने सर, लास्ट पैराग्राफ, द कंस्ट्रक्शन वाज फाइनेंस्ड बाय जर्नल बोरिंग्स। सबसे पहले क्वेश्चन में ही आइडेंटिफाई करना है कि जर्नल बोरिंग्स का क्वेश्चन है या स्पेसिफिक का। तो वंस अगेन जर्नल बोरिंग्स है। पैसे कहां से आए इस कंस्ट्रक्शन के लिए? जर्नल बोरिंग्स। जर्नल बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग at any one time during 2005 average 20 million interest expense incurred on these loans during 2005 was 26 lakh। general borrowing agar ho to kya capitalization rate ki zarurat padti hai? yes sir, zarurat padti hai sir। uska formula kya hai? interest incurred divided by वेटेड आउटस्टैंडिंग बैलेंस। वेटेड आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इन दोनों वर्ड्स को सेम रखते जरा, ये सेंटेंसेस दोबारा पढ़ना। जनरल लोन्स आउटस्टैंडिंग एट एनी वन टाइम ड्यूरिंग 2005 एवरेज्ड, ये 20 मिलियन के ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। वेट कीजिएगा, उसने एवरेज बैलेंस लिख दिया। तो एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन्स इज 20 मिलियन, ये बेस बता रहा है आपको कैपिटलाइजेशन रेट की। अगली लाइन पढ़े, इंटरेस्ट एक्सपेंस इंकर्ड ऑन दीज लोन्स ड्यूरिंग द ईयर वॉज, ये 26 लाख क्या बता रहा है? अभी जो हमने दो सवाल किए हैं, जरा कैंडी पिछले पेजेस पे जाएंगे, पेज क्वेश्चन नंबर 4 और 5 3 और 4, उसमें वो हमें अलग अलग लोन्स बता के रेट्स बता के वर्किंग करवा रहा था। यहाँ उसने शायद वो जितने भी अलग अलग लोन्स थे उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्लस करके और उनका इंटरेस्ट प्लस करके हमें दे दिया। 26 लाख इंटरेस्ट इंकर्ड है और 20 मिलियन जो है ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन है। क्या यहाँ से जनरल बोरिंग्स का कैपिटलाइजेशन रेट आप निकाल लेंगे? जरा साथ ही वर्किंग लिखते हैं, जगह है 26 लाख इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय 20 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर है व्हाट इज 13% कैपिटलाइजेशन रेट। एनी कन्फ्यूजन इन द वर्ड्स? दोबारा पढ़े वर्ड्स ना, आगे आगे ना जाए प्लीज, और सीरियस नहीं करनी बात है। 20 मिलियन समझ आ गया क्या? आउटस्टैंडिंग जनरल लोन्स आउटस्टैंडिंग, ये कैपिटलाइजेशन रेट का कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक लोन्स पे है जनरल पे? जनरल लोन्स पे फिर कैपिटलाइजेशन रेट निकालने के लिए आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिक्वायर्ड है और इंटरेस्ट इनकम रिक्वायर्ड है। एनी कन्फ्यूजन फाइनली? रिक्वायरमेंट ए पढ़े सर, ये सॉल्व करें जरा, रिक्वायरमेंट एबीसी टाइम है जरा करके देखें। कैलकुलेट करें अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैट इज एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, फिर डेप्रिसिएशन इफ एनी, और देन फाइनली कैरिंग अमाउंट। कंप्लीट साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस, इंडिविजुअली करें। जानना स्टूडेंट्स कैंडी, आप भी जरा शुरू करें बेटा, प्लीज डिस्टर्बेंस नहीं आपको करने सोचना है तो।
सर जी, अगर डेप्रिसिएशन नहीं है तो एक लाइन लिख देंगे, कैश द एसेट इज नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, देयरफॉर नो डेप्रिसिएशन। अब एग्जामिनर से ये कहना कि जब डेप्रिसिएशन नहीं है तो वो रिक्वायरमेंट क्यों दे रहा है, वो इसलिए तो दे रहा है कि आप सोच में पड़ जाए और कुछ ना कुछ कैलकुलेट कर दें। अगर डेप्रिसिएशन नहीं है तो एक लाइन लिख देंगे, एक लाइन लिख देंगे। लेकिन पहले फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो करेंगे, बी रिक्वायरमेंट में परेशान होने की क्या जरूरत है? रिक्वायरमेंट ए तो घर जाके कर लेंगे, बी पे परेशान हो जाएंगे, ऐसे तो ना करें, जो होता है वो तो करें। लिख रहा है मेरा फल यही होगा शायद, कंप्लीट करें सर, ये लिखे करें जुबानी, सिंपल वर्किंग है वैसे। एक्सपेंडिचर्स ढूंढने, रेट बता दिया आपने, बस मंथ्स गुनने गिनने। चीजें जब रिपीट हो रही हो ना तो फिर अपने हाथ से होनी चाहिए ताकि याद हो। जी ठीक है मुजम्मिल साहब, आगे चले। मंथ्स काउंट करने पड़ेंगे, जुबान कीजिएगा सर, गिन के प्लीज। हाँ जी ठीक है, 8775। जी बी रिक्वायरमेंट करें, 8775 कर आ गया, आगे चलो। एक लाइन लिखें, एग्जामिनर के इंग्लिश में सेंटेंस लिखें, एग्जामिनर को बताएं इंग्लिश में कि क्या वजह, लिख लेना, लिख के बताएंगे यार, कराची तक बात थोड़ी जाएगी, एग्जामिनर कराची में होता है अक्सर, उसे लिख के भेजेंगे ना। मस मैच करें जी मेरे साथ, पहले तो पूरे 12 महीने हो जाएंगे ऐसे ही, सेकंड 9, 6, 4 and 3, ये 2 नहीं 3 मेरा, अक्टूबर है शायद, स्टार्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर। माइंड अप करें, माइंड अप करें, जस्ट एक मिनट। अक्टूबर की पेमेंट कितनी है जी? नहीं सॉरी, ये मेरी माउंट से सही नहीं है, 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, लास्ट कितनी? 2 लाख, सॉरी जी। ठीक है अब्दुल्ला जी, थैंक यू।
अपनी वर्किंग कंप्लीट करना, एक मिनट लिखता हूँ अभी सिस्टम जरा शायद। मंथ्स काउंट हो गया जी। कैरिंग अमाउंट तक पहुंचे यार। अगर ऐसे डेप्रिशिएट नहीं हो रहा तो जो कॉस्ट है वही कैरिंग अमाउंट भी है। जो ऑनलाइन स्टोर कंप्लीट कर दी, ये मुझे तो इंडिविजुअल फिगर्स दिखाएगा जी। इंटरेस्टिंग कट 39,000 जस्ट मिनट। ये 39,000 19,500 16,500 6,500 6,500 8,7,50। बी रिक्वायरमेंट का आंसर लिखे सारे। एज द एसेट इज एक सेंटेंस लिखे, जिन्होंने लिखा सेंटेंस लिखे प्लीज। एज द एसेट इज नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, therefore no depreciation for the year. As the asset is not yet available for use, therefore no depreciation for the year. C requirement ki cost mein se cumulative depreciation minus kare, likh to lena cost puri karna. Cost is sum of expenditures plus borrowing cost to be capitalized. What is the amount of expenditures? 11 lakh. Borrowing cost 87,750. कंप्लीट करके उठिएगा प्लीज। 11 लाख इकट्ठा हो गया तो टोटल कॉस्ट बन जाएगी 11,87,750। कर लेंगे कंप्लीट? कोई कंफ्यूजन? घर के लिए होमवर्क लिखेंगे। क्या बारिश के दौरान भी आप मैच देखेंगे? हरगिज़ से नहीं करना, सवाल लिखे। कल इस तरह करें सर जी, टाइम भी कल के ना चेंज नहीं करी, दोबारा रिवाइज कर लेंगे। तो जैसे ही बारिश हो रही होगी आपने चेंजेस इनिक्विटी के सवाल रिकॉल के रिवाइज करने हैं। मैच जैसे ही शुरू हो जाएगा वक्ती तौर पे पेन बीच में रख के किताब बंद कर देनी है। बारिश शुरू, किताब खुल जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन वो वैसे भी एक बजे शुरू होना मेरा ख्याल है, तो सारा दिन सुबह का और मैच के बाद जो शाम का टाइम है उसमें अपने सवाल नोट करें कौन कौन से रिवाइज करने। जल्दी से निकलिए, मेरे सवाल बताने हैं। जल्दी से निकल, जल्दी से निकलिए, निकल निकल, मैं वेट कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, जल्दी में यार डिस्टर्ब हो रहे मेरे।
वापिस आके आराम से अपनी अपनी चेयर से बैठे। क्वेश्चन नंबर नोट करें, पेज नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह कीजिएगा, कोई एक क्वेश्चन रिवाइज करने के बाद मैं 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन इंडिविजुअली सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन पेज नंबर 68, और देन एक क्वेश्चन रख लें। टेस्ट वाला तो अभी आप कंप्लीट करें, वो तो फिर मिक्स हुआ हुआ, तो वो इंशाल्लाह किसी दिन शायद बात भी करनी पड़ेगी। पेज नंबर 285 पे एक क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर रिपीट करिएगा सर, पेज नंबर कौन कौन सा? 67, 68 और 285। अल्लाह हाफिज। 67, 68 एंड पेज नंबर 285, ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।